हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नोमनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिकली आज हम देखेंगे कि नोमनक्लेचर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, नोमनक्लेचर से होता क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और केमिस्ट्री में नोमनक्लेचर इतनी इम्पोर्टेंट प्लेस क्यों प्लेस करता है, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। देखो, नोमनक्लेचर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कंपाउंड्स को उनकी आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। जैसे हम लोगों के नेम्स होते हैं, हम लोगों के नेम्स हमारे को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं, उसी तरीके से जो आईयूपीएसी नेम होता है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो उनको उनकी आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? उनको उनकी आइडेंटिटी, जिसकी वजह से हम उनको डिटेक्ट करते हैं कि वो कौन से टाइप का कंपाउंड है, उसकी क्या क्लासिफिकेशन है, किस ग्रुप का वो कंपाउंड है, कौन सी प्रॉपर्टीज वो शो करेगा, वो हमारे को बताता है नोमनक्लेचर। देखो, नोमनक्लेचर करने से पहले ना हमारे को एक दो चीज़ें, एक दो रूल्स और एक दो चीज़ें देखनी है, वो हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में आगे। चलो एक बार डिस्कस करते हैं कि हमारे को और क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है नोमनक्लेचर से रिलेटेड। बेसिक नोमनक्लेचर हमारे लिए, हमने देखा कि नोमनक्लेचर इंपॉर्टेंट क्यों है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्यों ये इतना ज़्यादा वो रोल प्ले करता है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखो, नोमनक्लेचर को करने से पहले मेरे को ना कुछ बेसिक से रूल्स पता होने चाहिए। बेसिक से रूल्स हो गए, नेम्स हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड के, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं जिनके हमारे को बेसिक से नेम पता होने चाहिए, वो हम एक बार डिस्कस करेंगे। देखो, हमारे को बेसिक्स एल्काइल ग्रुप के, एल्केन्स के या फिर एल्काइल ग्रुप के कंपाउंड्स के इनिशियल्स जो होते हैं ना, वो पता होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि किस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, क्या है वो। फिर हमारे को पता होना चाहिए कि पेरेंट चेन क्या होती है, सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप्स क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं। देखो, जैसे सफिक्स हो गया, पेरेंट चेन देखना है हमारे को, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स देखने कि किस ग्रुप पे कौन सा अदर ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा अदर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, वो हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम पूरा नेम नोमनक्लेचर सीखेंगे कि हम नोमनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का किस तरीके से करते हैं और कैसे होता है, जिससे इजीली हमारे को समझ में आए कि फंक्शनल ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पेरेंट चेन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। देखो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ने से पहले हमारे को एक दो चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। देखो, जैसे हमारे को पता है जिस कंपाउंड में एक कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं क्या, मिथेन। वहीं जिसमें दो होते हैं उसको हम बोलते हैं इथेन। तीन वाले को बोलते हैं हम प्रोपेन। चार वाले को हम बोलते हैं ब्यूटेन। पांच वाले को बोलते हैं क्या, पेंटेन। छः वाले को हेक्सेन। सेवन वाले को हैप्टेन। एट वाले को ऑक्टेन। नाइन वाले को नोनेन। टेन वाले को डेकेन। देखो फ्रेंड्स, 10 तक तो हमारे को एटलीस्ट पता होने चाहिए, और 10 के बाद जो होता है, आप बेटर रहेगा कि आप 12 तक तो याद कर ही लो, क्योंकि इससे ज़्यादा ना हमसे पूछा जाता है ना कुछ है। 10th लेवल में इतना 10 तक होना बहुत अच्छी बात होती है, सफिशियंट होता है 10th तक का याद रखना। देखो, 11th को क्या बोलेंगे, 11th को बोलेंगे अनडेकिन, अनडेकिन। और 12th को क्या बोलेंगे, दो डेकिन। बेसिकली दो डेकिन बोलने का रीज़न क्या होता है, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं, 10+1 अन स्टैंड आफ्टर 10 अन स्टैंड फॉर 1 एंड 2 स्टैंड फॉर 2। ये ग्रीक लैंग्वेजेस के वर्ड्स होते हैं जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं यहाँ पे, और उनसे हमारा नोमनक्लेचर होता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, ये वाली जो टेबल मैंने प्रिपेयर करी है, एटलीस्ट आप इसको गो थ्रू करो, ढंग से पता करो कि 12 तक के नेम्स आपको याद होने चाहिए कंपाउंड्स के, सो दैट आप इजीली डिटेक्ट कर पाओ उस कंपाउंड का नेम कैसे है। बाकी वो हम सीखेंगे कि हमारे को नेम को कैसे करना होता है। देखो, अब अपना दूसरा पार्ट आता है कि किसी भी कंपाउंड को नेम देने से पहले ना हमारे को पता होना चाहिए कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होते हैं। किसी भी कंपाउंड को नेमिंग से पहले हमारे को उसकी पेरेंट चेन के अंदर हमारे को देखना होता है नंबर ऑफ कार्बन्स। फिर हमारे को देखना होता है कि उसमें सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होगा, क्या नहीं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, वो भी। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारे पास, जो पेरेंट चेन होती है उसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स अटैच होते हैं। बेसिकली सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आपके क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं आपके मिथाइल हो गया, मिथाइल कंपाउंड हो गया, इथाइल कंपाउंड हो गया, ये सारे होते हैं आपके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कैसे होता है। अब हम देखते हैं नोमनक्लेचर के इंपॉर्टेंट रूल्स क्या हैं जिसके बेसिस पे हम नोमनक्लेचर करेंगे कंपाउंड्स। देखो फ्रेंड्स, नोमनक्लेचर में हमारे को देखना है, सबसे पहला हमारा रूल बोलता है कि हमारे को ना किसी भी कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड के नोमनक्लेचर में सबसे पहले हमारे को उसकी लॉन्गेस्ट
कार्बन चेन फाइंड करनी है, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलेंगे अपना पेरेंट चेन। क्या बोलेंगे उसको हम, अपना पेरेंट चेन। कौन सी चेन फ्रेंड्स? पेरेंट चेन। बेसिकली पेरेंट चेन वो होती है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन ग्रो कार्बन कार्बन अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अमाउंट में मतलब नंबरिंग पार्ट में। फिर हमारा दूसरा पार्ट होता है, हमारे को आइडेंटिफाई ऑल द सब्सिट्यूएंट्स। बेसिकली मैंने आपको बताया सब्सिट्यूएंट्स होते हैं हमारे मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल, ये सारे जो ग्रुप जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद जो उस पर एक्स्ट्रा कंपाउंड्स लगे हुए होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं सब्सिट्यूएंट्स। ठीक है, उसके बाद फिर हमने जब हमने लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ ली, सब्सिट्यूएंट्स ढूंढ लिए, फिर हमारे को क्या देखना होता है, जो हमारे सब्सिट्यूएंट्स है ना जो पेरेंट चेन से अटैच हैं, उनको एंड से ना हमारे को इस तरीके से नंबरिंग देनी होती है कि जो सब्सिट्यूएंट्स हैं उनको स्मॉलेस्ट नंबर मिले। क्या मिले? स्मॉलेस्ट नंबर। बेसिकली जब उनको लार्जेस्ट नंबर मिलता है ना, तो उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं और वो आईयूपीएसी के हिसाब से सही चीज़ नहीं है। तो हमारे को जो आईयूपीएसी के रूल्स के हिसाब से जो हम फॉलो करेंगे, उसमें हमारे को देखना क्या है, जो सब्सिट्यूएंट्स हैं उनको इस तरीके से अपनी कार्बन चेन डिटेक्ट करनी है हमने, कि उसमें जो कम सब्सिट्यूएंट्स कंपाउंड है उनको सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट नंबर मिले। अब देखो होगा क्या, कई बार ना सीरीज में ये होता है, एक या एक से ज़्यादा कंपाउंड्स लगे हुए होते हैं उसकी साइड्स पे। बेसिकली एक ही पे ऊपर भी लगा हुआ होगा, नीचे भी लगा हुआ हो सकता है, साइड में भी हो सकता है, या फिर आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो हम उसको किस तरीके से नेमिंग देंगे वो हम देखेंगे। देखो जैसे अगर किसी कंपाउंड पे तीन है, तीन एक ही कंपाउंड पे तीन लगे हुए हैं, तो हम उसको बोलते हैं डाई ट्राई टेट्रा। ये हम आगे देखेंगे डाई ट्राई टेट्रा बेसिकली होता क्या है और किस तरीके से हम उसकी नेमिंग करेंगे। देखो इसमें भी लिखा हुआ है, इफ द सब्सिट्यूएंट्स अकर मोर देन वंस, द लोकेशन ऑफ ईच पॉइंट ऑन विच द सब्सिट्यूएंट अकर इज गिवन। ठीक है, उसकी हमारे को लोकेशन देनी पड़ेगी, उसको नेमिंग देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि जो वो सब्सिट्यूएंट ग्रुप कितनी बार हुआ है, फिर उस हिसाब से हमारे को उसका प्रीफिक्स सेट करना पड़ेगा, और उस हिसाब से प्रीफिक्स सेट करके फिर हमारे को उसमें देना है सफिक्स। देखो फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्या आता है, देखो किसी कंपाउंड में जब एक या एक से ज़्यादा सब्सिट्यूएंट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो हमारे को उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनका नेमिंग देना होता है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमारे को नेमिंग देना है किसी कंपाउंड का, तो हम मीथेन, जैसे एक ही कार्बन चेन में एक जगह पे मीथेन लगा हुआ है और एक जगह पे मिथाइल लगा हुआ है और एक जगह पे इथाइल लगा हुआ है, तो पहले हम लिखेंगे इथाइल, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई हमारा पहले आता है एम से, तो इसीलिए। अब देखो हम करेंगे क्या कि जो उनका प्रीफिक्स नेम है ना, जैसे कि डाई ट्राई टेट्रा, इनको इग्नोर करके जो उनका बेस नेम है, बेस नेम उनको हम यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट आप याद रखना कि जब भी एक या एक से ज़्यादा सब्सिट्यूएंट ग्रुप किसी भी कंपाउंड में लगा हुआ होता है, तो हम इम्पोर्टेंस देते हैं उनकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के नेमिंग पे, उस बेसिस पे हम नेम देंगे। ये नहीं है कि मिथाइल छोटा है तो मिथाइल को पहले लिखेंगे और इथाइल बड़ा है तो इथाइल को बाद में, ऐसा नहीं है। बेसिकली हमारे को फोकस करना है कि उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सी चीज़ पहले आती है, हम उस चीज़ को ज़्यादा फोकस करें। और उसके बाद देखो फ्रेंड्स, जब हम उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे ना, तो हमारे को सिर्फ एक प्रीफिक्स यूज़ करना है। उस टाइम पे हमारे को डाई ट्राई ये सब नहीं यूज़ करेंगे, हम सीधा यूज़ करेंगे आइसो, जैसे आइसो प्रोपाइल हो गया, आइसो ब्यूटाइल हो गया। ठीक है, ये प्रीफिक्स यूज़ करेंगे हम एज कंपेयर टू सेकेंड थर्ड। ठीक है, जैसे जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, अब देखो, अब जो मेन रूल्स हैं जब हम किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं, तो हमारे को क्या क्या पार्ट देखना होता है। देखो सबसे पहले हमारे को होता है, हमने अभी इस वाले पार्ट में हमने डिस्कस करा कि सबसे पहले हमारे को पेरेंट चेन फाइंड करनी होती है। क्या फाइंड करना होता है? पेरेंट चेन। उसके बाद हमारे को देखने होते हैं कि कितने सब्सिट्यूएंट ग्रुप्स उसमें प्रेजेंट हैं, दूसरा रूल हमारा ये बोलता है। तीसरा रूल बोलता है कि जो सब्सिट्यूएंट्स हैं उनको स्मॉलर पोजिशन मिलनी चाहिए, जैसे नंबरिंग जब हम देंगे तो उनको स्मॉलर नंबर मिलना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब तीसरा होता है, जब किसी कंपाउंड में एक या एक से ज़्यादा सेम सब्सिट्यूएंट ग्रुप ऊपर नीचे साइड में लगे हुए होते हैं, तो हम उसको किस नेम से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे डाई ट्राई टेट्रा, ये देखा था। फिर चौथे रूल हमारा बोल रहा था कि जब एक कंपाउंड में एक या एक से ज़्यादा टाइप के सब्सिट्यूएंट ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे,
तो हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। उस ऑर्डर में हम उनके बेस नेम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फिर हमने देखा कि जब प्रीफिक्स होगा उसकी जो प्रीफिक्स है, फिर हम वहाँ पे यूज़ करेंगे आइसो प्रीफिक्स एज कम्पेयर टू डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने फिर अब हम आगे देखते हैं कि और बेसिक रूल्स क्या हैं इसके लिए। देखो जो चीज अब एक ना कंडीशन आती है हमारे सामने कि जो कार्बन चेन है ना, कई बार जब हम उसको काउंट करते हैं तो उसमें ना दो कार्बन चेन निकल रही होती है सेम कॉम्पिटिटिंग लेवल की। लाइक उनमें नंबर ऑफ कार्बन सेम होंगे, सब कुछ सेम होगा, बट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स जो हैं वो डिफर करेंगे। वो है, अब हम उस वाले पार्ट को देखेंगे कि वो वाला पार्ट बेसिकली होता क्या है। देखो, इफ द चेन ऑफ इक्वल लेंथ आर कॉम्पिटिटिंग फॉर सिलेक्शन एज अ पेरेंट चेन, देन द चॉइस गोज टू इन द सीरीज। देखो क्या है इस वाले पार्ट में, जैसे दो चेन हमारी बन रही है, तो अब हम देखेंगे कि हम प्रेफरेंस किस वाली चेन को देंगे। हम प्रेफरेंस देंगे उस वाली चेन को जिसमें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ साइड चेन्स होंगी। बेसिकली होगा क्या कि जिस कार्बन में ना सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ साइड चेन्स होती है, हम उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे एज कम्पेयर टू दूसरी चेन को। उसका भी रीज़न है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे आगे की क्लासेज में। उसके बाद देखो दूसरा क्या होता है कि हम उस वाली चेन को प्रेफर करेंगे जिसमें सब्सिट्यूएंट्स जो है ना हमारे, उनको लोवेस्ट नंबर मिल रहा हो। क्या मिल रहा हो? लोवेस्ट नंबर। फिर तीसरा पार्ट क्या आता है इसमें, जो चेन है जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्बन चेन है उसमें जो साइड चेन्स हैं वो छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्मॉलर इन नंबर। बेसिकली ये वाला पार्ट क्या है कि जो ग्रेटेस्ट नंबर की कार्बन चेन है उसमें जो स्मॉलर नंबर की साइड चेन्स भी होनी चाहिए। फिर हम ये देखेंगे, फिर देखेंगे द चेन हैविंग द लीस्ट ब्रांच साइड्स। बेसिकली हमने देखना है कि जिस चेन की सबसे कम ब्रांचेज होंगी ना, वो वाली को हम प्रेफर करेंगे। फिर हमारा आता है नॉमनक्लेचर ऑफ रिंग कंपाउंड्स, लाइक साइक्लिक कंपाउंड्स जो हमारे क्लोज स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेंजीन रिंग टाइप के होते हैं, उन सब के नॉमनक्लेचर आते हैं। अब हम उसमें देखेंगे उसमें प्रीफिक्स क्या यूज़ करेंगे। उसमें हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे साइक्लो, ठीक है। अब एक बार जल्दी से एक बार रिकैप मारते हैं कि इस वाले पार्ट में क्या है। देखो क्या है, जब एक जैसी दो चेन्स होंगी कार्बन की, तो हमारे को प्रेफरेंस किसको देनी है वो हम डिस्कस करेंगे। देखो हम प्रेफरेंस देंगे जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर के साइड कार्बन साइड चेन्स होंगी। किस क्या होंगी? साइड चेन्स। फिर हम देंगे कि जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स को लोवेस्ट नंबर भी मिल रहा हो, वो हमारी प्रेफरेंस चेन होती है। फिर हम देखेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो चेन में, और जो साइड चेन्स हो वो बेसिकली छोटी हों, ज़्यादा बड़े कंपाउंड्स की ना हो, जैसे पेंटेन हेक्सेन इन इन जैसे कंपाउंड्स की ना हो। हमारी छोटी कार्बन चेन्स होती हैं जैसे मिथाइल हो गई, इथाइल हो गई, प्रोपाइल, इतना एक्सेप्टेबल होता है। फिर हमने देखा द चेन हैविंग द लीस्ट ब्रांच साइज, उनमें जो ब्रांचेज होनी चाहिए ना वो कम होनी चाहिए। हमारे को इस तरीके से उनकी नंबरिंग देनी है कि ब्रांचेज हमारी कम निकले, साइड जो साइड सब्सिट्यूएंट्स हैं उनका जो बेसिक फॉर्मूला है, लाइक उसमें कितने कार्बन है, वो भी कम होने चाहिए एज कम्पेयर टू द पेरेंट चेन, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो फिर आते हैं हमारा साइक्लिक पार्ट कि हम साइक्लिक कंपाउंड्स में नेमिंग कैसे करते हैं। साइक्लिक में नेमिंग हम कुछ नहीं करते हैं, बेसिकली हम उसमें प्रीफिक्स ऐड ऑन करते हैं साइक्लो। क्या ऐड करते हैं? साइक्लो। देखो फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जांपल है नोमेनक्लेचर के जो हम देखेंगे, जिनके थ्रू हम सीखेंगे कि बेसिकली नोमेनक्लेचर करते कैसे हैं। देखो ये एक कार्बन चेन है हमारे सामने, अब हम देखेंगे इसमें नंबरिंग किस बेसिस पे हम करेंगे, कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। देखो इसमें आप नंबरिंग करो, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया अपना 5 6 एंड ये 6, ठीक है। ये जैसे हमने देखा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो बनेगी इसमें वो 6 कंपाउंड्स की बनेगी। कितने की बनेगी? 6 की। अब आप देखो, आप भी एक बार चेक करो कि हम कितने तरीके से वो 6 कंपाउंड्स की लॉन्ग कार्बन चेन बना सकते हैं। या तो फिर हम उसको ऐसे बना लें, ऐसे स्ट्रेट 6 वाली बना दें, ठीक है, या फिर हम उसको बना सकते हैं ये वाली 6 की चेन बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि 6 की चेन हम इस बेसिस पे बनाएंगे कि जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको स्मॉलेस्ट नंबर भी मिले, और देखें कि कौन सा बेटर सूट करेगा चेन में। तो देखो मेरे हिसाब से जो इस वाले पार्ट में जो सबसे सूटेबल जो चेन है वो स्ट्रेट चेन जाएगी,
ठीक है। अब देखो स्ट्रेट चेन से फायदा क्या होगा, जो अपने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको स्मॉलेस्ट नंबर भी मिलेगा, स्मॉलेस्ट नंबर जैसे मिथाइल को 2 मिलेगा हमारा और इथाइल ग्रुप को मिलेगा 4th पोजीशन। अब हम इस वाली चेन में देखेंगे तो इस वाली चेन में इथाइल ग्रुप को मिलेगी कौन सी पोजीशन, 3rd पोजीशन। कौन सी वाली चेन में, इस वाली जो देखो मैं बताता हूँ कौन सी वाली चेन में मैं कह रहा हूँ, देखो इस वाली चेन में ये जो इथाइल वाली ये वाली जो चेन है, अगर हम इस वाली को पेरेंट चेन मान के वर्क करेंगे ना तो होगा क्या हमारे सामने, हमारे सामने पोजीशन क्या आएगी, ये देखो ये वाला जो इथाइल ग्रुप है ये वाला जो ग्रुप है इसको मिलेगी 3rd पोजीशन और इसको मिलेगी 5th पोजीशन। तो बेसिकली जो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा था कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको स्मॉलेस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए, तो वो इस वाली पार्ट में सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, इसलिए हम वो वाली चेन को नहीं लेंगे, इसलिए हम ये स्ट्रेट चेन को लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो नेमिंग क्या होगी। अब जैसे मैंने बताया कि ये इथाइल हो गया अपना 2nd नंबर पे और ये इथाइल आ गया 3rd नंबर पे, कौन से नंबर पे, 4th नंबर पे, सॉरी कौन से पे, 4th नंबर पे। आप देख सकते हो एक बार आप काउंट करके भी देख सकते हैं ये 4th नंबर पे आएगा। तो अब हम नेमिंग कैसे करेंगे, देखो हमने नोमेनक्लेचर में पढ़ा था जब एक या एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं तो हम उनको जो अरेंज करेंगे वो किस बेसिस पे करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देखो हमने इसमें इथाइल पहले लिखा, फिर मिथाइल लिखा और फिर लॉन्गेस्ट चेन का नेम लिखा। ठीक है, देखो क्यों ऐसा करा, क्योंकि ई एम से पहले आता है, ई आता है एम से पहले, इसलिए हमने लिखा 4th पोजीशन पे हमारा इथाइल अवेलेबल है, तो हमने लिखा 4-इथाइल 2-मिथाइल और हेक्सेन। हेक्सेन हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है इसलिए हमने हेक्सेन यूज करा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा कि हमारे को नॉमनक्लेचर में क्या क्या पॉइंट्स फोकस करने हो किस बेसिस पे। देखो अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अब हम उसको देखते हैं क्या है। देखो फ्रेंड्स इस वाले में तो हम देख भी पा रहे हैं कि जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन आ रही है वो ये आ रही है 7 कार्बन्स के साथ, जो हमारी सबसे लॉन्गेस्ट चेन आ रही है वो आ रही है ये वाली चेन, आप भी देख पा रहे हो मैं भी देख पा रहा हूँ। बहुत इजीली हमारे को पता चल रहा है कि इसमें जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन है वो स्ट्रेट चेन, बिल्कुल स्ट्रेट वाली चेन आ रही है, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन हो गई अपनी। ठीक है, अब देखो अब इसमें नेमिंग कैसे, अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट कि हमारे हमने चेन तो सेलेक्ट कर ली कि ये वाली हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, अब हम देखेंगे कि नंबरिंग कौन सी साइड से करें, नंबरिंग कौन सी साइड से करें, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे को देखना है जो कंपाउंड्स हैं उसको मिलना चाहिए लोएस्ट नंबर। देखो अब हम इधर से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट से फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया अपना, ये फोर्थ हो गया और फिफ्थ हो गया, मिथाइल मतलब आ रहा है अपना 5th पे। तो अब हम एक बार राइट हैंड साइड से भी नंबरिंग चेक करते हैं कि अपना मिथाइल और इथाइल को कौन सी पोजीशन मिल रही है, फिर हम उस हिसाब से नेमिंग करेंगे। देखो ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड एंड द फोर्थ, और इस साइड से जब हमने देखा था 1, 2, 3, 4 एंड 5। बेसिकली हमने देखा जब हम लेफ्ट से नंबरिंग कर रहे हैं तो जो अपना इथाइल ग्रुप है वो आ रहा है अपना 4th पोजीशन पे, और वहीं जब हम राइट से नंबरिंग कर रहे हैं, ओ सॉरी जब हम राइट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो हमारा इथाइल ग्रुप आ रहा है 4th पोजीशन पे, और वहीं जब हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो हमारा इथाइल ग्रुप आ रहा है कौन सी पोजीशन पे फ्रेंड्स, 3rd पे। देखो अब बेसिकली है क्या वो वाला पार्ट देखते हैं। अब हमने देखा कि जो 3rd पे मिथाइल ग्रुप है उसमें ऊपर भी लगा हुआ है और नीचे भी लगा हुआ है, कहाँ ऊपर भी एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है और एक नीचे भी CH3 लगा हुआ है, तो अब हम उसको नेमिंग कैसे देंगे, देखो उसकी नेमिंग हम किस तरीके से करेंगे वो हम सीखेंगे। देखो हमने देखा 4th पे लगा हुआ है, 4th कार्बन पे लगा हुआ है एक इथाइल ग्रुप, ठीक है, और 3rd कार्बन पे लगा हुआ है 2 मिथाइल ग्रुप, तो हमने करा क्या उनको लिखा 3 पे लगे हुए 2 मतलब 3 3, उनको 3 3 लिख दिया, उसके बाद लिखा डाई मिथाइल हेप्टेन, क्या लिखा हमने डाई मिथाइल, डाई हमने इसलिए यूज डाई वर्ड इसलिए यूज करा क्योंकि ऊपर नीचे 2 लगे हुए हैं, इसलिए हमने डाई फिर मिथाइल हेप्टेन लिख दिया। ये हमारा नॉमनक्लेचर है, ये एक और एग्जांपल है, हम उसको और डिस्कस करते हैं कि क्या है। देखो उस वाले एग्जांपल, इस वाले एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं, पहले हमने देखा इस वाले में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये रही, ठीक है, एक ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ रही है और फिर एक साइड आ रही है अपनी ये वाली, तो अब हम देखेंगे कि कौन किसको प्रेफरेंस देंगे। देखो फ्रेंड्स इस वाले में हम देखेंगे सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, देखो जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस वाले में हमारी 2 लॉन्गेस्ट चेन बन रही हैं, एक तो स्ट्रेट चेन बन रही है और एक बन रही है ये वाली चेन, तो
तो अब हमने मेन पार्ट देखना है कि हम प्रेफरेंस कौन सी वाली चेन को देंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, अगर हम ये जो साइड ब्रांच चेन वाली है इसको प्रेफरेंस देंगे तो हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आएगी। देखो, ये दो मिथाइल ग्रुप अपने हो जाएंगे इस जगह पे, कहाँ पे, ये दो मिथाइल ग्रुप ये हो गए सेकेंड एंड थर्ड पे। फिर जो फिफ्थ वाला पार्ट है उस वाले में क्या होगा, जो फोर्थ कार्बन पे हमारा लगा हुआ क्या होगा, ब्यूटाइल। ठीक है, तो इस वजह से जो लॉन्गेस्ट चेन होगी ना, जो हम ब्यूटाइल, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे को बेसिकली देखना होता है जो कंपाउंड्स में जब हम लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करते हैं तो हमारे को छोटे छोटे सब्सिट्यूएंट्स देखने होते हैं एज कम्पेयर टू लार्जर वन। तो हम इस वाले पार्ट में करते क्या हैं, इस वाले पार्ट में जब हम सब्सिट्यूएंट ढूंढेंगे ना किसी कंपाउंड के, तो हमारे को फोकस करना है कि वो सब्सिट्यूएंट छोटे हों। तो अब जो छोटे छोटे सब्सिट्यूएंट्स हमारे को मिलेंगे वो तो हमारे को स्ट्रेट चेन के थ्रू ही मिल पाएंगे। किस चेन के थ्रू, स्ट्रेट चेन के थ्रू। देखो, जैसा कि हमने अभी देखा कि साइड चेन और स्ट्रेट चेन में बेसिकली सब्सिट्यूएंट्स हमारे को कहाँ मिल रहे हैं, ये देखो, ये होगी अपनी लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन तो हो गई, अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट की इसमें सब्सिट्यूएंट्स कौन से लगे हुए हैं। देखो, दो, एक सेकेंड पोजिशन में मिथाइल है, एक थर्ड पोजिशन पे मिथाइल है, फिर एक फिफ्थ पोजिशन पे मिथाइल है। ठीक है, फिर जो फोर्थ पोजीशन है उस पे अपना क्या लगा हुआ है, इथाइल। इथाइल छोटा होता है एज कम्पेयर टू ब्यूटाइल, ये दूसरा रीजन हो गया। ठीक है, अगर हम ये वाली लॉन्गेस्ट चेन लेते ना तो हमारे पास ये होता कि इधर इधर हो जाता, जो इधर है ना अपना, वो ब्यूटाइल होता, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जब हमारे को पता चल रहा है कि इथाइल छोटा है ब्यूटाइल से, तो हम इथाइल को प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे एज कम्पेयर टू ब्यूटाइल। तो अपन ने देखा कि जो फोर्थ पोजीशन है उस पे एक इथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है। तो अब हम उसका नेमिंग कैसे करेंगे, अब आप देखो नेमिंग कैसे करनी है। हमने नेमिंग में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे को प्रेफरेंस देनी है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब हम प्रेफरेंस देते हैं कंपाउंड्स को, तो हम देखेंगे जो सेकेंड पे एक मिथाइल है, फिर थर्ड पे एक मिथाइल है, फिर एक फिफ्थ पे मिथाइल है। इसलिए हमने मिथाइल को पहले लिखा इथाइल से, क्योंकि एम पहले आता है एज कम्पेयर टू ई। ठीक है, तो फिर दूसरा पार्ट क्या हुआ कि हमने देखा कितने मिथाइल आ रहे हैं, तीन मिथाइल आ रहे हैं हमारे पास इस पार्ट में, तो हमने लिखा ट्राई मिथाइल। उसके बाद हमने देखा फोर्थ पे एक आ रहा है प्रोपीन, प्रोपाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप आ रहा है, प्रोपाइल ग्रुप, तो हमने लिखा फोर प्रोपाइल। और फिर हमने लॉन्गेस्ट चेन का नेम दे दिया हेप्टेन। क्या नेम दे दिया, हेप्टेन। फ्रेंड्स, देखा हमने कि नोमेनक्लेचर बहुत इजी चीज है, इतना मुश्किल पार्ट नहीं है। बस आपको एक बार गो थ्रू होना है, रूल्स को माइंड में रखना, उस बेसिस पे आप बड़े इजीली नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। ठीक है, अब हम एक और देखते हैं साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम किस बेसिस पे देखते हैं। देखो, इसमें तो हमारे को क्लियरली दिख रहा है कि हमारे को प्रेफरेंस देनी होती है चेन को, क्लोज चेन को। तो देखो, इस वाले में ये हो गई अपनी क्लोज चेन एक। ठीक है, अब हमने देखा कि इसमें कहीं से भी आप नंबरिंग शुरू करो, जो ये वाला है वो सेकेंड पे ही आएगा। बेसिकली हमने देखा कि वो एक मिथाइल ग्रुप है, तो हमने उसको नंबरिंग ना देखे, हमने सीधा लिखा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्या लिखा फ्रेंड्स, हमने उस इसमें हमने नंबरिंग नहीं दी, हमने सीधा नेम लिखा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। देखो, नीचे मैंने आपके लिए दो एग्जांपल दे रखे हैं, आप एक बार इनको गो थ्रू करो, जहाँ प्रॉब्लम आए और जिस वाले पार्ट में आए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, वहाँ पे मैं आपके इसको क्वेरीज को पूरा रिप्लाई करूंगा। फिर मैं आपको एक बार डिटेल में समझाऊंगा अगर आपसे नहीं क्लियर हुए कि इनका नोमेनक्लेचर क्यों ये है। देखो, मैंने उनके नेम भी दे दिए हैं आपके लिए, सो दैट कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो और आप एक बार ट्राई भी करो। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो, अब हमारा अगला पार्ट क्या आता है, अब हम देखते हैं। अभी तक हमने देखा बेसिक नोमेनक्लेचर, अब हम देखेंगे कि जब किसी कंपाउंड में इथाइल ग्रुप या इथेन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आएंगे तो हम उनको किस तरीके से प्रेफरेंस देंगे। देखो, उसके लिए भी ना एक अलग पार्ट होता है, रूल्स सारे सेम रहते हैं बट ना थोड़ा सा नंबरिंग में चेंज हो जाता है। अब नंबरिंग में क्या चेंज होता है वो हम डिस्कस करेंगे। देखो फ्रेंड्स, इस वाले पार्ट में अब हम देखेंगे कि जो जब हमारे ग्रुप में सब्सिट्यूएंट्स लाइक एल्कीन्स ग्रुप और एल्काइन्स ग्रुप अटैच होंगे, तो हम नेमिंग किस बेसिस पे करेंगे, अपना प्रियोरिटी कॉन्सेप्ट क्या होगा, हम किसको क्या देंगे। देखो, करेंगे क्या हम, बाकी का प्रोसेस हमारा सेम रहता है कि हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ढूंढेंगे, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। देखो, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होंगे वहाँ पे होगा एन्स, आइन्स, और जहाँ पे डबल बॉन्ड वाले होंगे वहाँ पे होगा इंस। बेसिकली इस वाले पार्ट में हम लर्न करेंगे कि जब कार्बन चेन में मल्टीपल बॉन्ड्स आएंगे तो हम उनमें क्या करेंगे, जो मल्टीपल बॉन्ड्स है ना उनको हम लोवेस्ट नंबर देंगे।
पहला हम लोएस्ट नंबर देंगे डबल और ट्रिपल बॉन्ड को, किसको देंगे एज कम्पेयर टू एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप से ज़्यादा प्रेफरेंस हम देंगे डबल और ट्रिपल बॉन्ड को। देखो अपना फिर कई बार हमारे सामने सिचुएशन आती है कि ना किसी कंपाउंड्स में एक ही बार में डबल बॉन्ड भी हो ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो अब हम उसको कैसे फेस करेंगे वो हम देखेंगे। देखो उस वाले पार्ट में हम करेंगे क्या, जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है उसको हम लोअर नंबर देंगे एज कम्पेयर टू आइंस। बेसिकली इसमें होता क्या है, जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है लाइक जो हमारा हो गया ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हो गए, हम ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। ये वाला पार्ट हमारे को याद रखना है कि प्रायोरिटी सीरीज में ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा प्रियर होगा एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद फिर देखो फिर हमारे पास ना एक और सिचुएशन आती है, एक सिचुएशन आती है जिसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कार्बन चेन बन रही होती है, डबल बॉन्ड भी होता है ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। तो हम उस वाले पार्ट में क्या करते हैं, हम ना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उसको चूज करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। पहली चीज़ तो हमारे को ये देखनी है कार्बन चेन को चूज करते हुए, जब मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाली चेन को हमारे को चूज करना है। फिर सेकेंड पार्ट होता है कि हम उसको चूज करेंगे, देखो फिर हम दूसरा चीज़ हम देखेंगे कि जो हमने चेन चूज करी है उसमें जो कार्बन एटम्स है ना वो इक्वल होने चाहिए, लाइक इक्वल होने चाहिए। दूसरी जो चेन्स हैं उसके सब्सिट्यूएंट्स उसमें कम होने चाहिए, कार्बन चेन में कार्बन के अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए, और वो वाली जो चेन है उसने सारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स को कवर कर लिया। हमारे को ऐसी चेन चूज करनी है जिसने सारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स को कवर कर लिया और छोटे सब्सिट्यूएंट्स हों उनके पास नंबर भी कम जाए, लाइक उनकी पोजिशनिंग कम जाए। फिर देखो दूसरा पार्ट आता है जब हम चेन को चूज करते हैं और जब हम उनके नंबरिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें किसको लोएस्ट प्रेफरेंस देते हैं वो हम देखेंगे। देखो जो पेरेंट चेन को जब हम नंबर देंगे ना तो जो सब्सिट्यूएंट्स हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया उनको लोएस्ट नंबर होना चाहिए, और जो फर्स्ट पोजिशन पे जो डिफरेंस है उसको देखेंगे। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट बेसिकली हमने देखा कि जो हमारे जो पेरेंट चेन है उसमें सब्सिट्यूएंट्स को सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, जो पेरेंट चेन में सब्सिट्यूएंट्स को लोएस्ट नंबर देना है, ये तो हमारे को हमेशा के लिए याद रखना ही है। उसके बाद फिर हमारे को प्रायोरिटीज देनी है, अपने ट्रिपल बॉन्ड को पहले देनी है फिर डबल बॉन्ड को बाद में देनी है। अब हम एक बार इसका एग्जाम्पल करते हैं, उससे हमारे को ये और अच्छे से क्लियर होगा कि इनकी नेमिंग कैसे करनी है। देखो ये कार्बन चेन है, इसमें डबल बॉन्ड दो जगह पे डबल बॉन्ड है, तो अब हम देखेंगे कि नंबरिंग किस बेसिस पे करेंगे कि कैसे उनको लोएस्ट नंबर मिले। देखो हमारे को पता है अगर हम इधर से स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि इसको मिलेगी सेकंड पोजीशन, और वहीं अगर हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन इसको मिलेगी और फोर्थ पोजीशन इसको मिलेगी। और जब हमने इस साइड से स्टार्ट करा था इस वाली साइड से, तो इस वाले को मिल रही थी सेकेंड पोजिशन, और इस वाले को कौन सी पोजिशन मिल रही थी, देखो 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन मिल रही थी। तो हमने अभी जब हमने रूल्स में देखा कि लोएस्ट बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन देनी है, फिर हमारे को सब्सिट्यूएंट्स को देनी है इम्पोर्टेंस, फिर हमारे को और किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है, तो इसीलिए हमने जो इसकी नेमिंग करी वो करी 1O4 हेक्स डाइईन। बेसिकली फर्स्ट पोजीशन पे हमने रखा ये वाला डबल बॉन्ड, फिर फोर्थ पोजीशन पे हमने रखा ये वाला डबल बॉन्ड। प्रायोरिटी देखी हमने, और हमने जो बाकी के रूल्स में देखा कि जो नंबरिंग देनी है वो हमने देनी है अपनी जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर्स में प्रेफरेंस देनी है। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर होगा। हम इस वाले में बड़े क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमारे को जो प्रायोरिटी देनी है वो इस वाले को देनी है, ट्रिपल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देनी है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। इसीलिए तो देखो इसका जो नेम है 1 पे है ट्रिपल बॉन्ड, थर्ड पे है फिर एक, और फिर एक क्या है थर्ड पे आ गया और एक आ गया फिफ्थ पे। देखो फ्रेंड्स इस वाले पार्ट में हमने जो प्रेफरेंस दे रखा है, जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे को प्रेफरेंस देनी होती है जनरली ट्रिपल बॉन्ड को पहले, पर हमने इस वाले में दिया है प्रेफरेंस किसको, डबल बॉन्ड को। देखो फर्स्ट पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड आ गया, फिर थर्ड पोजीशन पे आ गया, और फिफ्थ पोजीशन पे हमने ट्रिपल बॉन्ड को लिया। इसका जो रीज़न है वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों है ऐसा, वो देखते हैं। देखो फिर एक और एग्जाम्पल आया, इस वाले में हमने क्या करा, जब हमारे पास ये लॉन्गेस्ट ही थी, देखो इस वाले में जो इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने फिफ्थ पोजीशन पे इसको क्यों रखा, इसका रीज़न यही है। देखो रीज़न बीइंग इज कि अगर हम
इस साइड से इसको फर्स्ट पोजीशन देते तो जो हमारे ये सब्सिट्यूएंट्स हैं, ये जो छोटे हैं, इनको बहुत ज़्यादा हायर वैल्यू के नंबर मिल रहे थे। अब हायर वैल्यू के नंबर मिल रहे थे तो वो इंटरनली प्रॉब्लम क्रिएट करते। उस चीज़ को रोकने के लिए हमने इसको प्रेफरेंस इस वाले पार्ट में कम दी, इस वाले पार्ट में हमने प्रेफरेंस डबल बॉन्ड्स को ज़्यादा दी। तो ये कई बार एक्सेप्शन होता है, आप इस वाले पार्ट को इग्नोर करना चाहें तो कर सकते हैं। आपके 10th लेवल पे ये वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला पार्ट आप आगे जाके 11th एंड 12th में अगर आप साइंस लोगे तो उसमें आप अंडरस्टैंड करोगे कि ये क्यों होता है, वो डिस्कस करोगे। देखो इस वाले में हमने क्या करा है, इस वाले में हमने प्रियोरिटी दी किसको, ट्रिपल बॉन्ड को पहले प्रियोरिटी दी, फिर हमने डबल बॉन्ड को दी। अब हमने जब नेम लिखा तो हमने पी को पहले लिखा, वाई को बाद में लिखा। जैसे कि हमने पढ़ा है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमारा ये नेमिंग पहले आनी चाहिए, पी अल्फाबेट, जो अल्फाबेट पहले आता है ए टू जेड में, उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर उस वाले को लिखेंगे। ठीक है, अब देखो एक ये वाला एग्जाम्पल है। इस वाले में हम देखते हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अपनी कौन सी होगी और हम किसको प्रेफरेंस देंगे। देखो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारे को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो हमारी स्ट्रेट वाली चेन ही मिलेगी इस वाले में, और हमारे को स्टार्टिंग करनी है। देखो इस वाले में हमने डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देंगे, हम अपने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद हम नॉर्मल नॉर्मल क्लेचर करेंगे। अब देखो क्या होगा इस वाले में, वो हम देखेंगे। देखो फोर्थ और जो फिफ्थ कार्बन है, हमने देखा फिफ्थ कार्बन पे अपने कितने, दो मिथाइल ग्रुप अटैच है ऊपर और नीचे। तो अब हमने उसको क्या करा, दो बारी फाइव मेंशन करा, वन एक बारी फाइव एक बारी फाइव, फिर हमने डाई वर्ड यूज करा क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं। उसके बाद लिखा हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से पहले हमने लिखा वन क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो अपना फर्स्ट पोजीशन पे है। फिर हमने लिखा हेक्सीन, ये हमारा बेसिक नोमेनक्लेचर होता है। नीचे एक और एग्जांपल है, एक बार आप इसको गो थ्रू करना अपने आप से इन दोनों को, जहाँ प्रॉब्लम आए आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। मैं अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर मैं आपको दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा। आप बाकी एक बार इनको गो थ्रू ज़रूर करना, इन वाले पार्ट्स को, इन दो एग्जाम्पल्स को, सो दैट कि आपको ये नोमेनक्लेचर ईजीली क्लियर हो जाए। देखो अब नोमेनक्लेचर, अभी तक हमने जो नोमेनक्लेचर में देखा, हमने देखा बेसिक नोमेनक्लेचर देखा, फिर हमने देखा डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ नोमेनक्लेचर। अब देखो अब ना कई बारी क्या होता है कि नोमेनक्लेचर में ना हमारे पास आ जाता है फंक्शनल ग्रुप। तो अब हम देखेंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है प्रियोरिटी कॉन्सेप्ट। प्रियोरिटी कॉन्सेप्ट में होता क्या है कि हम देखते हैं कि किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जब हम कार्बन चेन की नेमिंग करते हैं। तो देखो आप एक बात हमेशा याद रखना, फंक्शनल ग्रुप मतलब स्पेशल कंपाउंड्स, स्पेशल लोगों पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं ना। ये तो हम लोगों ने भी देखा है, जो स्पेशल होते हैं या वीवीआईपी लोग होते हैं उनको मीडिया ज़्यादा अच्छे से कवर करती है। तो इस वाले पार्ट में जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है ना, ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी कंपाउंड्स होते हैं, तो हम इन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर इनसे छोटी सेलिब्रिटीज होते हैं हमारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो हम फिर उन पे फोकस करते हैं। फिर हम लास्ट में फोकस करते हैं नॉर्मल लोगों पे। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखना कि जो सबसे पहला फोकस होगा वो फंक्शनल ग्रुप पे होता है, फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे होता है, फिर सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूएंट्स पे होता है, लाइक जो एक्स्ट्रा कंपाउंड्स होते हैं फिर हम उन पे फोकस करते हैं। देखो अब जब हमने फोकस पार्ट देखा तो अब हम एक और चीज़ भी देखते हैं कि अगर हम देखते हैं कि किसमें क्या प्रीफिक्स या फिर सफिक्स एड ऑन होगा, वो हम एक बार गो थ्रू करेंगे। देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें कोई प्रीफिक्स नहीं पड़ लगता है। हमने भी देखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रीफिक्स नहीं लगता बल्कि सफिक्स लगता है। ओइक एसिड क्या लगता है हमारा, ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड अपना सब्सिट्यूएंट्स होता है। हमने पढ़ा था एल्डिहाइड्स में एल लगता है, और जो कीटोन्स होता है उसमें वन आता है। फिर हमने देखा था एल्कोहल्स में जो अपना सब्सिट्यूएंट होता है वो ऑल आता है। बाकी के ये जो अमाइंस हैं ये हम 11th और 12th चैप्टर में पढ़ेंगे, उनमें जो सब्सिट्यूएंट्स होता है वो अमाइन होता है। अमाइंस में अपना सब्सिट्यूएंट होता है अमाइंस और अमीनो एसिड, प्रीफिक्स भी होता है इसमें अमीनो एसिड। वहीं हमने देखा था अल्कोहल में जो सब्सिट्यूएंट होता है वो ओल भी होता है और कई बार ये हाइड्रोक्सी भी होता है। बेसिकली ये नेमिंग पे पार्ट होता है, ये हम आगे जब बड़ी क्लासेस में, फर्दर क्लासेस में हम अच्छे से समझेंगे इसको। यहाँ पे आपको हाइड्रोक्सी को इतना फोकस नहीं देना है। बेसिकली बस मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ ये सारे क्या है। देखो फिर हमने पढ़ा था जो हमारे हेलो ग्रुप्स होते हैं उनमें जो सब्सिट्यूएंट्स होते हैं उनमें वो पहले आते हैं।
उनमें वो सफिक्स की तरह वर्क नहीं करते, हेलो ग्रुप जो है वो हमारा प्रिफिक्स की तरह वर्क करते हैं। देखो फ्लोरो ब्रोमो क्रोमो ये हमने पढ़ा था, तो एक बार आप इसको गो थ्रू करना पूरा, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये क्यों होता है, कैसे है, वो हम आगे देखेंगे। देखो अब हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो इसका एक क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड में उठ के आता है, कौन सा टॉपिक? आइसोमर्स। आइसोमर्स को पढ़ने से पहले हम गो थ्रू करेंगे बेसिकली आइसोमर्स होता क्या है। आइसोमर्स की हम डेफिनेशन देखते हैं कि हम किन कंपाउंड्स को आइसोमर्स बोलते हैं। देखो आइसोमर्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है वो डिफरेंट होता है, जिनका केमिकल फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है, बट जो उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है ना वो डिफरेंट होता है। बेसिकली होता क्या है कि उनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो तो हमारा हमेशा ही सेम रहेगा, जैसे C4H10 हो गया वो हमेशा ही सेम रहेगा, बट जो उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है कि वो नेचर में किस किस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है वो थोड़ा डिफर करता है। तो अब हम देखेंगे आइसोमर्स। अब देखो फ्रेंड्स, आइसोमर्स में जो सबसे लोएस्ट कंपाउंड है जो आइसोमर नेचर में शो करता है वो कौन सा है अपना, वो है ब्यूटेन। अब उसका रीजन क्या है, देखो जो मिथेन है वो मिथेन क्यों नहीं शो करता, क्योंकि हमारे को पता है मिथेन ऑटोमेटिकली एक कार्बन का कंपाउंड है, जब वो एक कार्बन वाला कंपाउंड है तो वो कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वो एग्जिस्ट ही एक ही फॉर्म में करेगा। अब देखो इथेन है, इथेन को आपने देखा जो इथेन है वो भी क्लोज चेन स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहा था, क्यों? क्योंकि वो क्लोज चेन के लिए वो अपनी चेन ही नहीं पूरी कर सकता। अब देखो इथेन में होगा क्या, इथेन को मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, देखो इथेन में ये हो गया, अब आप बताओ ये आइसोमर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा। हमारे को पता है ये सेकेंड स्मॉलेस्ट कंपाउंड है, इसका आइसोमर्स एग्जिस्ट करना ही बहुत मुश्किल है, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, चलो मैंने मान लिया ये वाला जो कार्बन है यहाँ से हट के ऊपर चला गया, तब भी तो ये यही रहेगा। अब देखो फिर आता है हमारा प्रोपीन, प्रोपीन में क्या होगा, हम सी यहाँ पे लगा देते हैं, तो अब आप क्या इसको नेम, अब जैसे हमने नोमेनक्लेचर में पढ़ा था हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को प्रेफरेंस देंगे, तो इसमें जब प्रोपेन में हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढेंगे तो वो ये होगी या फिर वो ये होगी, ठीक है, हम ऐसे भी देख सकते हैं या फिर उसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये तो हमारे ऊपर है ना, हमारे को प्रेफरेंस तो बेसिकली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को देनी है ना, तो हमने ये वाला पार्ट देखा, इसीलिए हमने देखा जो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ग्रुप है, प्रोपेन मिथेन इथेन प्रोपेन जो है ये क्यों फॉर्म नहीं करते हैं आइसोमर्स, रेस्ट कंपाउंड्स तो फॉर्म करते हैं आइसोमर्स, वो हमने देखा। अब देखो फिर आता है जो हमारा सबसे छोटा कंपाउंड है ना जो नेचर में आइसोमर फॉर्म करता है वो होता है ब्यूटेन, उसका रीजन है वो भी कितना आइसोमर्स फॉर्म करता है, वो एक ही आइसोमर फॉर्म करता है। अब एक आइसोमर कैसे फॉर्म करता है, ये वाला जो कार्बन चेन का ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो कार्बन है ये या तो फिर वो यहाँ पे आ सकता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसी पोजीशन पे आ सकता है ये वाला कार्बन, बाकी कहीं नहीं जा सकता, अगर वो इधर लगेगा तो भी वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में काउंट होगा, इधर लगेगा तो भी वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में काउंट होगा, इसीलिए जो हमारा ब्यूटेन का आइसोमर होता है वो एक ही आइसोमर होता है जिसका नाम होता है 2-मिथाइल प्रोपेन। अब 2-मिथाइल प्रोपेन हमने देखा, अब हमने इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हुआ, इसका केमिकल फॉर्मूला फिर से वही हुआ C4H10, और जो नॉर्मल ब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है C4H10। तो हमने देखा जो हमारे आइसोमर्स होते हैं ना इनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम रहता है, बट जो डिफरेंट पार्ट होता है वो होता है इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, समझे फ्रेंड्स। अब देखो एक और आइसोमर देखते हैं हम, अब हम देखते हैं पेंटीन की, कि पेंटीन कितने आइसोमर्स नेचर में फॉर्म करता है। हमारे को पता है कि ब्यूटेन 4 वाला हो गया, पेंटीन हो गया 5 वाला, तो अब देखो पेंटीन कितने फॉर्म कर सकता है वो हम देखेंगे, पेंटीन जनरली 2 आइसोमर्स फॉर्म करता है, वो कैसे करता है वो देखो कैसे करेगा, ये वाला जो कार्बन है ये उठ के या तो फिर वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे आ जाएगा, और फिर क्या होगा जब वो इस वाली जे वाला कार्बन यहाँ से चेन से यहाँ से हटके इस जगह पे आएगा तो होगा क्या, उसको बोलेंगे 2-मिथाइल ब्यूटेन, क्या बोलेंगे 2-मिथाइल ब्यूटेन। अब जो एक और जो वो आइसोमर फॉर्म करता है वो करता है कि ये वाला भी जो कार्बन है ना, ये वाला पार्ट जो है कार्बन का ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और वो इस वाले कार्बन पे लग जाएगा, जब वो इस वाले कार्बन पे लग जाएगा ना हमारा कौन से वाले कार्बन पे, इस वाले पे, तो उसका जो नेम होगा 2-2-डाई मिथाइल प्रोपेन, क्यों हुआ
टू टू क्यों आया? क्योंकि देखो जो सेकंड कार्बन है उस पे 2 बारी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और डाइवर्ड जो हमने नोमेनक्लेचर में पढ़ा था, डाइवर्ड यूज होता है अपना जब एक ही पे दो सब्सिट्यूएंट ग्रुप्स लगे, एक ही पे ही दो सेम ग्रुप लगेंगे तो हम उनको यूज करेंगे डाई। और प्रोपेन देख रहे हैं, प्रोपेन क्यों है? क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो प्रोपेन की है। आप एक बार गो थ्रू करना, आप एक बार बनाना देखना कि आप इसको कितने तरीके से नेम दे सकते हो। चाहे तो आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाली देख लो, चाहे ये वाली देख लो, नेम हमें हर बारी सेम ही आएगा, इसका नेम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, अब एक लास्ट और देखते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं हेक्सेन। हेक्सेन कितने बनाता है वो देखो। हेक्सेन हमारे को पता है जो नॉर्मल वाला होता है, जब हम आइसोमेरिक टर्म्स में बात करते हैं ना, तो नॉर्मल वाले को हम करते हैं एन हेक्सेन। उसके बाद जो और जो होता है, फिर ये जो कार्बन है ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट होते हैं, रिमूव होंगे, कहीं ना कहीं आके लगेंगे, तो उसका पहला आइसोमर होता है 2-मिथाइल पेंटेन। ठीक है, फिर वो बना सकता है 3-मिथाइल पेंटेन, थर्ड पोजीशन पे जब वो आ जाएगा तो वो 3-मिथाइल पेंटेन भी बना सकता है। फिर वो करेगा क्या कि देखो, फिर वो अपने जो हेक्सेन में 6 हैं, 6 में से 2 एक ही कार्बन पे आके जब अटैच होंगे ना, तो वो बना देगा 2-2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्या बनाएगा? 2-2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। फिर जब वो जो एक ही कार्बन पे आके अटैच हुए, फिर करे होंगे क्या कि वो हो सकता है हमारे पांचवा जो हमारा उसका होगा, पांचवे में क्या होगा, वो 1-2 पे आ जाए, 1-3 पे आ जाए। ठीक है, और फिर वो बनाएगा क्या, 2 और 3 डाई ब्यूटेन। ठीक है फ्रेंड्स, देखो अब हमने कवर करा था, हमने चैप्टर बेसिकली यहाँ पे हमने अपना पूरा चैप्टर कवर करा। हमने देखा आइसोमर्स, हमने ढंग से पढ़ा कि कौन कैसे आइसोमर्स बनाता है, आइसोमर्स के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है, आइसोमर्स का नोमेनक्लेचर कैसे होता है। आइसोमर्स से पहले मैंने आपको नोमेनक्लेचर इसीलिए पढ़ाया था कि आपको आइसोमर्स बनाना इजीली समझ में आ जाए, किसी भी कंपाउंड का नेमिंग कैसे करना है वो आपको ढंग से समझ में आ जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाकी जो है इस चैप्टर में आगे का जो भी पार्ट है, लाइक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड ऑल, वो मैं अपडेट कर दूंगा बहुत जल्द, मैं आप लोगों के लिए अपडेट कर दूंगा, और एक बार सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे, सो दैट कि आपका ये वाला चैप्टर पूरा ढंग से बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर हो जाए।